टाउन हॉल मिल पाएगा, इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है वहां पे, टाउन हॉल की हेल्थ। ओ भाई 1 HP भाई, टाउन हॉल मिस हो गया। हाँ भाई, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर डियर अंकुर। तो भाई साहब, वापस आने के बाद से नए साल की ये हमारी पहली टूर्नामेंट की मैच होने वाली है। नए साल की पहली टूर्नामेंट मैच कैसे होती है आज की वीडियो में देखिए। और चैनल पे पहली बार आए तो करो सब्सक्राइब, करो 2 मिलियन सब्सक्राइबर इस साल के अंदर करवाने हैं, आप ही लोग करवा सकते हो। चलेंगे डायरेक्ट मैच के अंदर। ओके भाई साहब, हमारी साइड से पहला अटैक यहाँ पे गोहिल आ चुका है अटैक करने के लिए। लेट्स सी गाइस, गोहिल तो बौखला गया है भाई। चाहे टाउन हॉल 13 हो, 14 हो या फिर 15 हो, गोहिल इसी आर्मी के साथ अटैक करेगा। स्पैम बेबी इन्फिर्नो ड्रैगन विद ड्रैगन राइडर्स एंड सम बलून्स। और हाँ, आजकल इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज कर रहा है थोड़ा फनल वनल बनाने के लिए। ब्लिंप पहुंच जाएगी क्या? पहुंच गई टाउन हॉल। भाई साहब फ्रीज डाल दिया, मिलेगा क्या? मिल गया सक्सेसफुली, थैंक गॉड गाइस, टाउन हॉल मिल गया गोहिल को। मेरे को तो लगा यार टाउन हॉल मिस ना हो जाए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे गाइस बार्बेरियन किंग तो जा रहा है क्वीन की तरह इसकी। अबे पागल की बच्ची, कहाँ जा रही हो भाई? क्वीन जा किधर रही है यार? लिटरली किंग के पीछे रहना चाहिए क्वीन को, और क्वीन जा रही है अपना अलग रास्ता ढूंढते हुए। आई थिंक एनिमी बार्बेरियन किंग की तरफ जा रही है, नहीं एनिमी रॉयल चैंपियन की तरफ जा रही है आर्चर क्वीन गोहिल की। चलो सही है, लेकिन वैल्यू तो काफी अच्छी निकाल रही है क्वीन, क्योंकि यार टैंक मिल रहा है क्वीन को काफी अच्छा, और स्केलेटन स्पेल्स भी गोहिल यहाँ पे यूज कर रहा है। तो ये जो ग्राउंड एक्सबो है, ग्राउंड एक्सबो पकड़ लिया फाइनली। इतने टाइम तक तो बिजी था, लेकिन अब जाके पकड़ा है क्वीन को। बेबी इन्फर्नो ड्रैगन से अभी भी ड्रैगन राइडर है, आरसी है, एक फ्रीज है, क्वीन की एबिलिटी यूज कर ली आरसी के ऊपर, मैक्स लेवल का डिगी फाइनली गोहिल ने कर लिया, डिगी मैक्स लेवल का, बहुत अच्छी बात है भाई। डिगी बहुत ज्यादा जरूरी है रॉयल चैंपियन के ऊपर। ओके, लेकिन यार गाइज आप लोग मेरे को एक बात बताओ, छिपकली जो है पॉइजन लिजर्ड, उसको किसके ऊपर यूज करें और कब यूज करें, कौन से अटैक में यूज करें? मेरे को तो लग रहा है कि ग्राउंड अटैक में यूज कर लेना चाहिए वार्डन के ऊपर। आपको क्या लगता है किसके ऊपर यूज करना चाहिए? और फिनिक्स, फिनिक्स का क्या? बार्बेरियन किंग के ऊपर यूज करते लोग, लेकिन मैं तो नहीं करता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गोहिल का पहला 3-स्टार अटैक हो चुका है। नाउ इट्स आवर टर्न गाइज, हम लोग अटैक करने वाले हैं अभी डायरेक्ट नंबर 1 के बेस के ऊपर। ये रहा गाइज नंबर 1 का बेस, इनविजिबिलिटी स्पेल टावर रखा है भाई बंदे ने यहाँ पे टाउन हॉल के पास, लेकिन स्टिल हम लोग करेंगे अटैक इसी बेस के ऊपर। आर्मी तो देख लो गाइज, हम लोगों ने बस एक लावा होंड को हटा के, बस हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रॉकेट बलून्स लिए हैं एक्स्ट्रा। स्टार्टिंग में यहाँ पे बलून्स डालेंगे जिससे कि ये डाउन हो जाए। लो गाइज ये डाउन हो गया, उसके बाद बलून्स आएंगे, लिम्प आएगी, वापिस रॉकेट बलून्स आएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, सीम्स लाइक सुमित को पहले से ही पता था वहाँ पे टोर्नेडो ट्रैप है, लेकिन नहीं गाइज मेरे को नहीं पता था, निकल गया टोर्नेडो ट्रैप वहाँ पे। डबल क्लोन, इनवी और रेज, कमॉन कमॉन कमॉन। जे बात, इनविजिबिलिटी स्पेल टावर ने इनविजिबिलिटी स्पेल गिरा दिया। आर्चर्स टाउन हॉल निकालो, पहले क्या कर रही हो पागल की बच्चिया? टाउन हॉल निकालो, टाउन हॉल नहीं मिला तो सीन हो जाएगा खामखा। निकालो निकालो, ये बात गाइस काफी अच्छी वैल्यू मिली है 27% की, दैट्स रियली नाइस। ओके चलो भाई, फिलहाल तो अपनी इलेक्ट्रो ड्रैगन करेगी काम, बेबी ड्रैगन आएगा, बलून आएगा। ओके, बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन, चलो ठीक है कोई दिक्कत ना है। ओके सही जा रहा है अटैक, आरसी आएगी यहाँ से। ओके चलो, अच्छी बात ये है कि ये ग्राउंड एक्सपो लॉक्ड है ऑलरेडी किसी के ऊपर, तो आरसी को उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके इधर से ही लालो चालू कर डालेंगे, बुड्ढे को डालेंगे मिनियंस क्लीनअप के लिए। ओके तो हेड हंटर्स सही जा रहा है, वापिस 2 हेड हंटर्स, बुड्ढे की एबिलिटी, ओके ऐसी एबिलिटी, नाइस नाइस गोइंग।
आरसी क्या ही तो काम कर रही है भाई। देखो इसको बोलते हैं असली आरसी का वर्क। मर गई, कोई दिक्कत ना है। क्वीन जिंदा बच चुकी है अभी भी। चलो भाई ये वॉल ब्रेकर इसी चीज के लिए बचा के रखा था शायद मैंने। खत्म है गाइस, दिस इज अ खत्म, बस उड़ गया ये। लास्ट में बहुत सारे बलून्स हमारे वेस्ट हो चुके हैं, बट 3 स्टार ये वाला अटैक हमारा हो गया। चलो गाइज, हमारी साइड से पहले दोनों के दोनों अटैक्स हमारे 3 स्टार लग चुके हैं। पहला गोइल का भी लग गया 3 स्टार और दूसरा वाला 3 स्टार हमारा भी लग चुका है। ओ भाई साहब, मन्ना भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं अटैक के लिए। मन्ना का अटैक देखते हैं। ओके, क्वीन चार्ज सुपर हाइब्रिड कर रहा है, 5 सुपर माइनर्स, 7 माइनर्स, 5 हॉग राइडर्स। ओके यार, एक्चुअल में ना मन्ना को 5 की जगह 8 सुपर माइनर लेने चाहिए। कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा? मन्ना को कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा भाई। भाई बंदा करेगा क्या अभी? क्या ये 3 स्टार कर पाएगा मन्ना? अगर मन्ना ने इसको 3 स्टार कर दिया, खत्म, फिर खत्म, जीत गए हम लोग, इधर ही मैच जीत गए फिर। बट लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ओके, पॉइजन स्पेल टावर का तो कुछ असर ही नहीं पड़ा आर्चर क्वीन के ऊपर, ये काफी अच्छी चीज लगी मेरे को। ट्रिपल आइस गोलम, ओ माय गॉड, नहीं टाइम वेस्ट होएगा आर्चर क्वीन का, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट होने नहीं दे रहा। तुरंत बारबेरियन किंग एसबी डाल के हाइब्रिड चालू कर दिया मन्ना ने, आरसी को भी उतार दिया आरसी के ऊपर। वही यार टाउनल 14 का पेट, एक्चुअल में ना पेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टाउनल 15 के, ठीक है। अगर आप टाउनल 14 के पेट्स यूज करते हो और टाउनल 15 के पेट्स यूज करते हो, टाउनल 15 के ऊपर ही जो 15 के पेट्स यूज करेगा उसके 3 स्टार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि यार डिगी अपने आप में एक वो पेट है, अपने आप में वो एक पेट है और वो बहुत ज्यादा ही हेल्प कर देता है आरसी की, बहुत ज्यादा। चाहे मोनोलिथ रहे, सिंगल रहे, मल्टी रहे, 3 सेकंड के लिए स्टन कर देता है, नेक्स्ट लेवल का काम कर देता है, मेरे को तो काफी पसंद है। फिनिक्स भी अपने आप में एक तगड़ा ट्रूप है, आई मीन पेट है। लेकिन सबसे घटिया अभी तो मेरे को लग रहा है वो लस्सी सबसे घटिया है ऐसा लग रहा है। अरे यार हॉक्स की हेल्थ तो देखो यार, हॉक्स की हेल्थ देखो यार, उनको एक यार सारे के सारे मर गए वहां पे जायंट बम के चक्कर में, हद हो गई यार। वहां पे एक हील स्पेल चाहिए थी मन्ना को यहाँ पे बचाने के लिए। क्वीन के पास एबिलिटी बच चुकी है, बट बच गई क्वीन, बच गई। मेरे को लगा बिना एबिलिटी के मर सकती है, लो भाई भी मर गई, एबिलिटी यूज करके भी तुरंत मर गई। बारबेरियन किंग के पीछे बारबेरियन किंग के बच्चे हैं बहुत सारे, लेकिन स्कैटर शॉट है ना यहाँ पे, अभी एक धप्पा आएगा स्कैटर शॉट का, सारे बारबेरियन किंग के बच्चे गायब। लो गाइज ऑलमोस्ट गायब हो चुके, कितने सारे ट्रूप्स लग रहे थे लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, गायब हो गए भाई साहब। खेल कर गया भाई मन्ना, 91% 92 मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिल गया 92%, 93 नहीं मिल पाएगा शायद। लो गाइस मन्ना का 92% 2 स्टार अटैक हुआ है, और अच्छे से एग्जीक्यूट करता तो शायद ट्रिपल हो भी सकता था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अटैक में 8 स्टार, एनिमी के 3 अटैक में 7 स्टार। ओके भाई साहब, हमारी साइड से यहाँ पे तैयब भाई आ चुके हैं 14 अटैक के लिए। क्वीन चार्ज लावा लून विद 6 हिलर्स, ओ भाई साहब, लेट्स सी गाइस क्या कर सकते हैं तैयब भाई। यहाँ पे 24 बलून्स के साथ आ चुके हैं, जिसमें से 2 बलून्स यूज कर लिए, यहाँ पे एक स्निकी गॉब्लिन यूज किया है, क्वीन को डाल दिया। बाप रे गाइस, ये क्या क्या मोनलिथ के सामने से करोगे क्वीन चार्ज? आर यू किडिंग मी? मोनलिथ डबल एक्सबो, बारबेरियन किंग है एनिमी का, ग्रैंड वार्डन है यार एनिमी का, कितना गंदा डैमेज करेगा ग्रैंड वार्डन और मोनलिथ दोनों मिलकर क्वीन के ऊपर, क्या ही डैमेज करेंगे भाई। इधर लफड़ा होने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है, गंदा वाला, गलत एंगल से कर रहा है। होपफुली ये पास हो जाए। नाइस फ्रीज, चलो अर्ली फ्रीज डाल दिया, काफी अच्छी बात है, वरना मोनोलिथ मोनोलिथ और ये ग्रैंड वार्डन दोनों क्या ही तो नेक्स्ट लेवल का डैमेज करेंगे क्वीन को यार। वापिस एक और फ्रीज डालना पड़ा भाई साहब, नाइस वॉल ब्रेक। बाप रे, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक क्वीन चार्ज वाला अटैक है भाई। रे 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 भाई, कितनी फ्रीज लग गई यहाँ पे, 3 फ्रीज लग गई। नाइस यार, निकाल लिया यार इन्होंने, यकीन नहीं हो रहा, क्वीन चार्ज से निकाल लिया ये पोर्शन। बाप रे, उनके साथ एबिलिटी है अभी भी, बच चुकी है एबिलिटी। ओ माय गॉड, नहीं
लग गए भाई मेरे को, लिटरली लिटरली स्टार्टिंग से लग रहा था कि यार वाला पोर्शन कैसे क्लियर करोगे क्वीन चार्ज के साथ, क्लियर कर लिया उन्होंने लिटरली, लेकिन सीसी के ट्रूप्स ने भाई साहब एबिलिटी देते ही मार दिया क्वीन को। ओके ओ भाई साहब बलून्स रेज डाल दिया, फ्रीज डाल दिया, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी आ गई, क्या टाउन हॉल मिल पाएगा, इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है वहां पे, टाउन हॉल की हेल्थ, ओ भाई 1 HP भाई, टाउन हॉल मिस हो गया, टाउन हॉल मिस हो गया गाइज, 1 HP पे बचाए टाउन हॉल, क्या ये तो खतरनाक ट्रोल डिफेंस था भाई ये, लोल। अबे यार 1 HP बचाए भाई टाउन हॉल, यार उसको कोई एक धक्का मार देता बलून फट जाता उसके ऊपर, 2 स्टार हो जाते यार, हद कर दी। गाइस देख रहे हो यार, नसीब नसीब खेल कुछ नहीं यार, इतना सा बचा, इतना सा मतलब इतना सा किसके हाथ में होता है यार, थोड़ा हल्का सा रह गया यार। लेकिन क्वीन चार्ज तो काफी अच्छा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वीन फिर भी मर गई सीसी के ट्रूप्स की वजह से, और स्कोर हो गया गाइस हमारा 4 अटैक के अंदर 9 स्टार। हम लोग अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ही पीछे चल रहे, 4 में 9, एनिमी के 4 में 10। ओके भाई साहब एनिमी के 5 में 12 हो चुके हैं और हमारे 4 में 9, मतलब हमारे भी 5 में 12 हो सकते हैं अगर ये वाला अटैक ईशान 3 स्टार कर दे तो। लेट्स सी ईशान कर रहा है यहाँ पे सुपर आर्चर ब्लिंप, ओके इसको वैल्यू क्या मिलेगी, नहीं 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 नहीं, आइस गोलम को मत बुलाना गलती से भाई साहब, फाड़ देगा आइस गोलम, नाइस फेल्स आइस गोलम, नहीं 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 सुपर आर्चर्स नहीं, अरे टाउन हॉल निकालो क्या कर रहे हो, ओ भाई टाउन हॉल, थैंक गॉड टाउन मिल गया, 19% की वैल्यू इनको मिली है भाई साहब। चलो अरे भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार, कर दी ऊपर की साइड पे बुला लिया था तो उधर ही एक इलेक्ट्रो टाइटन डाल देता, इलेक्ट्रो टाइटन मार देता उनको खामखा, इधर नीचे काहे बुला रहा है भाई हीरोज को फ्रीज करने के लिए, इधर डाला इलेक्ट्रो टाइटन, ऊपर ही बुला लेता, ऊपर एक इलेक्ट्रो टाइटन डाल देता, दोनों को मार देता इलेक्ट्रो टाइटन खामखा, इधर दिक्कत नहीं होती हीरोज को, हीरो स्लो डाउन नहीं हो जाते। चलो कोई ना ठीक है, क्योंकि अच्छी बात ये है यहाँ पे कि हीरोज के ऊपर अभी डैमेज है नहीं तो हाँ ये बियर कर लेंगे, ये जो भी टाइम वेस्ट है इतना बियर कर लेंगे क्योंकि डैमेज नहीं है हीरोज के ऊपर। ओके आइस गोलम डाल दिया, एनिमी बार्बेरियन किंग नहीं छोड़ेगा, एक हाथ हेड हंटर दे दे, नाइस हेड हंटर मैन, नाइस रॉयल चैंपियन ब्रो, यार टाइम वेस्ट काफी हो रहा है गाइस, टाइम वेस्ट लिटरली बहुत ज्यादा हो रहा है, आर्मी चालू कर दे ईशान, क्या कर रहा है, नीचे से चालू करना चाहिए इसको, अबे यार स्वीपर की साइड से चालू कर रहा है भाई, अरे मेरा भाई, आर्मी को अंदर पुश होने दे, पुश होने दे, पुश होने दे अंदर, हेड हंटर्स नाइस हेड हंटर्स, अरे यार इतना अर्ली एबिलिटी काहे दे दिया, डैमेज है ही नहीं बलून्स के ऊपर, एबिलिटी क्यों दे दिया इतना जल्दी यार। अबे एनिमी आरसी नहीं मर पाई यार, हेड हंटर्स नहीं ले पाए एनिमी आरसी को, अरे मेला भाई शान क्या कर दिया तूने, ये पॉडन एबिलिटी थोड़ा जल्दी दे दिया ईशान ने, हद है यार, और स्वीपर ने अपनी अलग से दिक्कत दे ही दी भाई यार, एनिमी 5 में 12 और ये हमारा थ्रीसर होता तो 5 में 12 होते, पर ये तो 5 में 11 ही हो गए हमारे, तो हार गए भाई हम लोग साल की पहली मैच, अरे यार क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग। चलो भाई साहब 5 में 11 और 5 में 12 हम लोग ये वाली मैच हार गए, बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, और सब्सक्राइब करो, हारे हैं तो क्या हुआ, सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ, मैं अगली वीडियो में वापस मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।